आज के वीडियो से हम जानेंगे कि स्कूल एजुकेशन पोर्टल में छात्रों का रिकॉर्ड को कैसे अपडेट किया जाता है जो भी शिक्षक साथी इस ई एजुकेशन चैनल में पहली बार आए हैं या जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा उनसे विनिम निवेदन है कि वे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले शिक्षा से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर अपने विद्यालय का पुराना रिकॉर्ड अपडेट कर सकें और नए रिकॉर्ड को कैसे भर सकें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर के जो गूगल सर्च इंजन है या मोबाइल का जो आपका सर्च इंजन है गूगल उसमें आप स्कूल एजुकेशन पोर्टल यू के टाइप करिए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एजुकेशन पोर्टल यू के ये एड्रेस दिया हुआ है इसका डॉट यू के डॉट जी ओ वी डॉट इन जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एजुकेशन स्कूल एजुकेशन पोर्टल का इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा ये वेबसाइट है जिसमें आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर मेन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें केवल लॉगिन करना है सबसे पहले तो आप जब यहाँ पर लॉगिन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यूज़र आई पासवर्ड मांग रहा है तो आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप यूनिट में जाके उसको अपडेट करेंगे तो यूनिट में जाके सबसे पहले आप अपना स्कूल का आईडी डी यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पर उसका पासवर्ड इन केस अगर आप अपने स्कूल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर कर दोबारा से अपने स्कूल का पासवर्ड रिसट करा सकते हैं और उसके बाद नया पासवर्ड खुद उसमें एंटर कर सकते हैं तो जैसे मैंने अपने स्कूल का यहाँ पर कोड डाल दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने स्कूल की पासवर्ड यहाँ पे डाला है अब मैं यहाँ पे कैप्चर कोड है इसको यहाँ पे डालूंगा तो जैसे यहाँ पे कैप्चर कोड में डाल रहा हूँ बी एट नाइन नाइन ई ये मैंने डाला है और मैं लॉग इन करूँगा जैसे मैंने लॉग इन करा तो आपने देखा कि इसका पहला इंटरफेस यहाँ पर खुल गया है तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर दे रखा है सबसे पहले हमें अपने स्कूल का यू डाइस कोड यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहां पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप इस फाइल को ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे कि आपके स्कूल का जो कोड है वो कौन सा है तो यहाँ पर फाइल ओपन हो रही है तो आपने देखा फाइल ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे ब्लॉक क्लस्टर नेम यू डाइस कोड दिया हुआ स्कूल का नाम दिया गया आप इसमें अपना स्कूल को सर्च करके आपको वहां पर आपका जो यू डाइस कोड है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा जब आप इतना कर लेंगे उस यूडाइस कोड को आप कहीं पे लिख लीजिए या यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पे अपडेट करना जरूरी है यहाँ पे आप अपडेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसको अपडेट आप आसानी से कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि कैसे आपको अपने स्कूल का जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है उसे कैसे अपडेट करना है तो इसमें एक जो सबसे नीचे पांचवा जो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम कक्षा से प्रारंभ करें अर्थात जो माध्यमिक विद्यालय हैं इंटर कॉलेज वो छठी क्लास से यहाँ से अपना रिकॉर्ड एंट्री करें और जो आपके प्राइमरी के हैं वो प्रथम क्लास से फर्स्ट क्लास से अपना रिकॉर्ड प्रारंभ करें। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आती है कि अगर आपके विद्यालय में पूर्व छात्रों का रिकॉर्ड अपडेट पहले से है या आपके विद्यालय में 2021-22 का रिकॉर्ड है तो आप जैसी छठी क्लास में नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो वो पुराने वाले रिकॉर्ड के साथ मिक्स हो जाएगा तो आपको पहले पुराने जो कक्षा छह का रिकॉर्ड है उसको कक्षा सात में डालना होगा फिर सात वालों को आठ में डालना होगा तो इस प्रकार की समस्या आएगी जब आप छठी के रिकॉर्ड को सातवीं में डालेंगे तो वो सातवीं में जाकर मिक्स हो जाएंगे तो इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन यह है कि आप पहले कक्षा बारह के छात्रों को अपडेट करें अगर बारहवीं के छात्र आपके पास आउट हो जाते हैं तो उनको ड्रॉप आउट दिखा के पूरी क्लास खाली कर दें जब बारहवीं कक्षा खाली हो जाएगी तब आप इलेवंथ क्लास को बारहवीं कक्षा में अपडेट कर सकते हैं इसी प्रकार एक एक करके आप क्लास को खाली करते चले जाएं और जो आपकी पुरानी क्लास है कक्षा 11 को फिर 12 में अपडेट कर दें इसी प्रकार टेंथ में इसी प्रकार नाइन्थ को एट्थ में सेवेंथ को एट्थ में और फिर छठी क्लास आपको पूरी खाली मिलेगी जह, जहां पर आप नए सिरे से सारा रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे रेगुलर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे मेन्यू आ रहे हैं स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ऐड स्टूडेंट दिया हुआ है जहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट लिस्ट देख सकते हैं और स्टूडेंट एक्शन देख सकते हैं तो इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2022 और 23 में हमें अब इसमें रिकॉर्ड अपने विद्यालय के अपडेट करने हैं और यहाँ पे हमारे पास छः से लेके बारहवीं तक क्लास यहाँ पे शो हो रही हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बॉयस हैं यहाँ पे गर्ल्स हैं यहाँ पे अदर्स हैं और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा तो इसे करने से पहले हम एक बार रफ आइडिया बना लेंगे अपने स्कूल का कि हमारे स्कूल में 2022 और 23 में कितने बच्चे होंगे कितने एडमिशन लेंगे और कितने पहले से हमारे पास उपलब्ध है जैसे छठी क्लास में मान लेते हैं कि इस समय हमारे पास तीस बच्चे या बीस बच्चों के ने एडमिशन लिया तो हम यहाँ पर उसको दर्शा सकते हैं तो इस प्रकार छठी में इतने हैं सातवीं में इतने आठवीं में इतने नाइन्थ में इतने हैं हमारे पास टेंथ में इतने हैं और इलेवंथ और ट्वेल्थ में इतने बच्चे हो गए आर्ट्स और साइंस जोड़कर यहाँ पे टोटल आएगा और ऐसी आपका बारहवीं क्लास का भी टोटल आएगा बच्चों का और एक चीज का ध्यान दें जिस स्कूल में दो दो सेक्शन है तो वो मिक्सअप आएगा रिकॉर्ड तो उसको ए और बी आपको सेक्शन दिखाना होगा ऐसी आर्ट सेक्शन सेक्शन को को हम और को हम और साइंस बी दिखाते हैं लेकिन इन दोनों का रिकॉर्ड एक ही क्लास में प्रदर्शित होता है ए और बी सेक्शन अभी क्योंकि हम 22 और 23 का रिकॉर्ड भरेंगे तो हमारे पास आप जानते हैं कि अभी हमारा ट्वेल्थ ए ट्वेल्थ भी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ इसी प्रकार तो क्लास को, 10th और 11, 12th के को, आ, किसी का अपडेट नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उसको कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताऊंगा तो यहाँ पे सिक्स क्लास में जैसे सपोज हमारे पास तीस बच्चे हैं लेकिन तीस बच्चे अगर एडमिशन लेंगे तो आप उनको पांच पांच और दिखाइए पैंतीस इसमें आप बढ़ा के लिखिए क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार अगर हम बढ़ा के नहीं लिखेंगे तो बाद में रिकॉर्ड अपडेट करने में हमें दिक्कत आएगी इसलिए यहां पर आप रिकॉर्ड को थोड़ा बढ़ा के रखिए उनकी एक्चुअल एच, संख्या से ज्यादा लिखिए जब आपके सितंबर तक अगस्त सितंबर तक पूरे छात्र संख्या फुल हो जाए उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा नया तब आप इसको दोबारा एडिट में जाकर ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं उन समस्याओं को यहाँ पर बताता हूँ जो अधिकतर आएंगी पहली वो समस्या है वो विद्यालय जो प्रथम बार छात्रों का विवरण पोर्टल में अपडेट करना चाहते हैं या नए सिरे से पोर्टल में छात्रों का विवरण 2022 हजार में करना चाहते हैं मतलब एकदम फ्रेश अगर वो डेटा भरना चाहते हैं एक और समस्या है कि वे विद्यालय जिन्होंने 2021-22 में अपने छात्रों का विवरण तो पोर्टल में अपडेट कर लिया था अब वे 22 और 23 में कैसे करें उसको मतलब जिन छात्र स्कूलों की छात्र संख्या बहुत ज्यादा है उन्हें बार बार नए रिकॉर्ड एंटर करने की बजाय पुराने रिकॉर्ड को ही अपडेट कर लेना है तो ऐसे में उनका समय बचेगा इसी प्रकार वे विद्यालय जिन्होंने कोरोना काल में पिछले वर्ष या दो वर्षों से छात्रों का पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया वो कैसे करें बीस इक्कीस में उन्होंने अपडेट नहीं किया उनका रिकॉर्ड दो हजार बीस और इक्कीस का है वो कैसे दो हजार बाईस और तेईस में अपना रिकॉर्ड डायरेक्ट एंट्री करें अपडेट करें उसके बारे में भी हम यहां पर बताएंगे तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि दो हजार इक्कीस बाईस में छात्रों का विवरण पोर्टल में हम कैसे अपडेट करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम रेगुलर स्टूडेंट में स्टूडेंट एक्शन में जाते हैं जो अभी ये वाला रिकॉर्ड इसके बारे में अभी मैं फिर बताऊंगा जब हम नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर जाएंगे लेकिन उससे पहले हमें जैसे हम मान लेते हैं बाईस तेईस में जैसे हमारे स्कूल की छात्र संख्या चार के करीब होने वाली है तो हम इसको भर लेंगे तो जैसे हम छठी क्लास में सपोज तीस बच्चों का एडमिशन हमें करना है तो हम कैसे भरेंगे यहाँ पर अब एडिट ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर एडिट क्लिक करेंगे सपोज मेरे को छठी क्लास में बीस बच्चे आएंगे एडमिशन लेने और गर्ल्स सपोज होंगी टेन तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर आएगा जब हम इसको सबमिट करेंगे ऐसी मैं सेवन क्लास का भी यहाँ पे भर लेता हूँ कि सेवन्थ क्लास में सपोज पैंतालीस बच्चे एडमिशन लेंगे तो पच्चीस अगर मैं बॉयज़ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं बीस गर्ल्स ले लेता हूँ अब मैं यहां पे जैसे सबमिट करूंगा आप पूरा रिकॉर्ड भर सकते हैं या एक एक करके भी भर सकते हैं जो बाद में आप उसको फिर एडिट कर सकते हैं तो सबमिट में यहां पे करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर ये ऐड हो जाएगा और आपको इसका टोटल यहां पर दिखाई देगा तो ये प्रोसेसिंग चल रही है यहां पर तो अब आप यहां पे देखेंगे कि ये टोटल हो गया देखिए अपने आप तो सिक्स क्लास में बीस और टेन थर्टी हो गए और सेवेंथ क्लास में पच्चीस और बीस पैंतालीस हो गए इस प्रकार हमारी छात्र संख्या पिछहत्तर हो गई आप यहाँ से एडिट करके फिर एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी छात्रों के रिकॉर्ड को यहाँ पर भर सकते हैं तो फिलहाल मैं ये दो क्लास का आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि अब हमें इसको कैसे करना है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक ऐड करके एड स्टूडेंट्स में जाकर कि हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं तो ऐड स्टूडेंट में हम गए तो यहाँ पे नया इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पिछहत्तर बच्चे हो चुके हैं कैसे हुए पिछहत्तर हम दोबारा यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 75 ये कैसे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे टोटल 75 आ रहा है 30 और 45 बच्चों का आपको रिकॉर्ड भरना है तो पिछहत्तर हो गया तो यहाँ पे हम जाएंगे एड स्टूडेंट्स में दोबारा तो यहाँ पे पिछहत्तर सो कर रहा है और अभी यहाँ पे जीरो है हमने एक भी रिकॉर्ड नहीं भरा है सपोज हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड भरते जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम सिंह फादर का नेम हो गया कपिल सिंह डेट ऑफ बर्थ सपोज ये दो में इसने यहां इसका जन्म हुआ एक मई हम भर लेते हैं ये हमने भर लिया ये लड़का था तो मेल यहाँ पर आ गया रिलीजन हम यहाँ पे भरेंगे हिंदू ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे एंट्री करिए जैसे ए प्लस अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे जो यहाँ पे रेड चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ जो रेड चिन्ह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे अनिवार्य फील्ड इसे भरना जरूरी है अगर आप ये रेड चिन्ह वाले नहीं भरेंगे एस्ट्रिक चिन्ह है यहाँ पर तो आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा तो इसको ध्यान देंगे कि हमें इसे कैसे भरना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर आधार कार्ड राशन कार्ड परमानेंट एनुअल इनकम ये आप ऑप्शनल फील्ड है आप इसमें भर सकते हैं डेटा और नहीं भी भरेंगे तो भी रिकॉर्ड सेव हो जाएगा मेडिकल चेकअप अगर बच्चे का हुआ है अगर यस yes होता है तो यहाँ पे उसको डेट हमें शो करनी होगी कब हुआ अगर नहीं हुआ है तो हम नो ही रहने देंगे इसके बाद यहाँ पे आ रहा है मदर नेम मदर नेम भरना जरूरी है तो भर दिया कैटेगरी भी जरूरी है यहाँ पर हमने उसकी कैटेगरी जनरल भर दी है इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे एस आर नंबर हमने इसका अगर बाय द वे किसी भी स्कूल में रिकॉर्ड भरते समय यह समस्या आ जाती है कि कभी कभी वो किसी का एस आर नंबर नहीं लेता है तो उसमें उस समय क्या होगा कि या तो वो नंबर पहले से किसी स्टूडेंट्स को अलॉट हो रखा होगा तो ऐसे में आप उस रिकॉर्ड को कहीं पे नोट करिए और उसको चेक करिए सर्च करके कि ये किसको अलाउट हुआ है अगर वो लड़का पास आउट हो गया है गलती से उसको मिला है तो आप उसको ड्रॉप आउट्स दिखा के फिर नए सिरे से नया रिकॉर्ड भर सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन अब डेट ऑफ एडमिशन सपोज उसने मई में एडमिशन लिया आ, फोर मई में तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं फ्री एजुकेशन होती है छठी क्लास में तो यहाँ पे हम उसको क्लास दिखा देंगे सिक्स क्लास यहाँ पे हमें कोई फील्ड भरने की जरूरत नहीं सेक्शन अगर सिक्स का ए बी सी है तो आप भर सकते हैं ना तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है इसके बाद बैंक नेम बैंक अकाउंट नंबर आई कोड आप भर सकते हैं इसकी आवश्यकता है तो आप भर सकते हैं और नहीं भरेंगे तो भी रिकॉर्ड सेव हो जाएगा एड्रेस भरना बहुत जरूरी है जैसे मैं इसका भर लेता हूँ निर्मल बस्ती ज्वालापुर हरिद्वार ये मैंने भर दिया स्टेट ये भरना जरूरी है कि हम कौन से स्टेट का उत्तराखंड ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार और यहाँ पे पिन आ जाएगा पिन हमने यहाँ पे भर दिया अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो यहाँ पर आप उसको मेंशन करना पड़ेगा ये कैटेगरी दे रखी है डिसेबल की तो इसमें से कोई भी अगर बच्चा डिसेबल है तो आप उसको भर सकते हैं इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया यहाँ पे आ गया है और हम क्लिक करके उस रिकॉर्ड को यहां से देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखो एक यहाँ पे शो होने लग गया कि हमारा एक रिकॉर्ड भर गया है जो हमने कौन सी क्लास में भरा सिक्स में अब उसको चेक कैसे करेंगे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिक्स क्लास में अपने रिकॉर्ड भरा था और यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहां पर ये रिकॉर्ड आ गया है देखिए ये पूरा रिकॉर्ड आ गया आप यहां पे उसका नंबर नंबर, से भी भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का तो पूरा रिकॉर्ड पूरा आ गया है अगर आप इस रिकॉर्ड को uh, करना चाहें, तो यहाँ से कर सकते हैं दोबारा कोई फील्ड छूट गई हम कर सकते हैं सही अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट uh, करना है आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड गलत हो गया तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं डिलीट में गए ये एक और ऑप्शन आएगा डू यू वॉन्ट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड आप ओके okay कर दीजिए और फिर उसके बाद एक और बार इसको ओके okay करेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा देखो ये नो रिकॉर्ड फाउंड अब हम ऊपर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे शून्य आ गया हमने एक रिकॉर्ड भरा था और उसी को हमने डिलीट कर दिया तो ये जो तरीका था ये तो था रिकॉर्ड को भरने का तरीका जो कोई भी स्कूल वाले 2022-23 में आसानी से कर सकते हैं अब जो मैंने आपको बताया था एक समस्या थी ये वाली वे विद्यालय जिन्हें पिछले वर्ष 2021-22 में छात्रों का विवरण पोर्टल में अपडेट कर लिया था अब वो 2022-23 में कैसे करें तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करना है तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा स्टूडेंट एक्शन में जाना पड़ेगा तो स्टूडेंट एक्शन में जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास एक नया मेन्यू यहाँ पे खुल जाएगा इंटरफेस यहाँ पे सेशन लिखा है अभी आपके पास 2021-22 का रिकॉर्ड पूरा भरा हुआ है आपके पोर्टल में तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जिस क्लास का रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं उसको यहाँ से चुनेंगे तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको सुझाव तो सबसे पहले बारहवीं क्लास को ले आप क्योंकि अगर सिक्स क्लास के बच्चों को आपने दूसरी सेवन क्लास में डाल दिया तो सेवंथ क्लास में सिक्स क्लास के बच्चे मिक्स हो जाएंगे तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप पहले 12 क्लास को खाली करें फिर 11 को फिर 10 को तब सिक्स क्लास आपको पूरी कंप्लीट खाली मिलेगी जिसमें आसानी से आप ऐड कर सकते हैं तो हम बारहवीं क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो जैसे ही मैंने सबमिट करा तो ये मेरे पास बारहवीं क्लास का सारा डेटा आ गया है सारे बच्चे आ गए इसमें ए और बी आर्ट्स और साइंस दोनों क्लास एक साथ प्रदर्शित हो रही है अर्थात ए और बी अगर आपका सी सेक्शन है न, वो भी इसी में ही आएगा तो बारहवी क्लास में जितने बच्चे हैं आर्ट्स और साइंस वो मिक्स हो जाते हैं तो यहां पर ये यह मिक्स हो गए हैं अब यहां पे लिखा है स्टूडेंट एक्शन परफॉर्म मैक्सिमम टेन एट ए टाइम इसका मतलब है कि आप इन बच्चों को एक ही बारी में दस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अगर बच्चे बारहवीं क्लास के बच्चे या तो फेल होंगे होंगे तो उनको हमें डिमोट करना होगा अगर वो पास होंगे तो हमें ड्रॉप आउट करना होगा उन्हें यहाँ से हटाना होगा तो क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है मई लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद कुछ बच्चे जो टीसी ले जाएंगे उसके बाद ही आप उन रिकॉर्ड को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करेंगे जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो दस रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट करे तो अब दस रिकॉर्ड अगर ये दसों बच्चे पास आउट हो गए तो आप यहाँ पे जाकर उनको ड्रॉप आउट दिखाएंगे इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दस बच्चे इस से बारहवीं क्लास से हट जाएंगे सपोज इनमें से कोई बच्चा अगर कोई बच्चा इनमें से फेल हो जाता है वो पास नहीं हो पाता है तो उस बच्चे को हमें डिमोट करना पड़ेगा और बाकी बच्चों को जो पास आउट हो गए ड्रॉप आउट तो इस प्रकार क्या होगा कि बारहवीं क्लास 2022 और 23 में जाकर अपडेट हो जाएगी उसमें पूरी की पूरी क्लास खाली हो जाएगी या जो फेल होंगे वो रहेंगे बच्चे तब हम क्या करेंगे तब हम इलेवेंथ क्लास का रिकॉर्ड यहां से ओपन करेंगे और यहां पर हम उसको सबमिट करेंगे इलेवेंथ क्लास का जितने भी रिकॉर्ड हैं, ये बच्चों को हमें कहाँ डालना बारहवीं क्लास में डालना है तब हम इसमें जाकर उन सारे बच्चों को प्रमोट करेंगे अगर कोई बच्चा फेल होता है इसमें तो हम उसको डिमोट करेंगे न तो जितने बच्चे पास होते हैं उन्हें प्रमोट करेंगे और 10-10 करके हम उनको एक ही बारी में भेज सकते हैं उससे ज्यादा नहीं भेज सकते आप चाहे तो दो करके भी भेज सकते हैं एक करके भी मैक्सिमम 10 तो मैंने आपको एक तरीका बताया इस प्रकार आप एक, एक क्लास को आगे भेजते चले जाइए पीछे वाली क्लास खाली होगी तो लास्ट में आपकी जो सिक्स क्लास होगी उस वो क्लास आपको खाली मिलेगी आप इसमें सारा रिकॉर्ड भर सकते हैं अब इसके बाद हम उसकी चर्चा कर लेते हैं दूसरे वाले स्कूलों की जिन स्कूलों ने कोरोना काल पीरियड में अपने दो साल का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया 21-22 की बजाय उनका रिकॉर्ड अभी 20 और 22 का है वो कैसे 22-23 में करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप ने 20 और 21 में का जो रिकॉर्ड है इसको ओपन कर लेंगे सपोज कोई भी क्लास हम इसमें ले लेते हैं जैसे हमने बारहवीं ले ली तो 20 और 22 अब हमारे यहां तो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है इसलिए यहाँ पे सो नहीं हो रहा है लेकिन जिन्होंने 20 और 21 में रिकॉर्ड होगा तो वो उसको कैसे अपडेट करेंगे वो यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे उसके बाद जो क्लास उनके पास यहाँ पर आएगी उसको बारहवीं क्लास को तो वो ड्रॉप आउट कर देंगे पूरी की पूरी इसी प्रकार क्लास को भी उन्हें पूरा ड्रॉप आउट करना होगा क्योंकि इलेवंथ क्लास के बच्चे भी पास आउट होके जा चुके होंगे अब यहाँ पर आएगी क्लास तो क्लास के बच्चों को आपको दो बार करना पड़ेगा प्रमोट यहाँ पर दो बार उनको टेंथ क्लास के बच्चों को प्रमोट करना पड़ेगा तब जाके वो बाईस और तेईस में आएंगे पहले आपको 20, 21 से उनको 21-22 में ले जाना होगा फिर 21-22 से फिर प्रमोट करके 22-23 में ले जाना होगा तो यह वाला मेथड है उन विद्यालयों के लिए जिन्होंने दो वर्षों से कोरोना काल के समय अपने विद्यालय का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया था तो आपने इस वीडियो से सीखा कि कैसे हमने नए रिकॉर्ड को अपडेट किया और पुराने जो हमारे रिकॉर्ड थे उनको हमने कैसे नए सिरे से अपडेट करना सीखा तो अगर आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटिंग से संबंधित कोई भी समस्या या जिज्ञासा है तो आप उनको जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर अवश्य हमको शेयर करें और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें साथ में आप यूट्यूब चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जो नई वीडियो होगी हमारी स्कूल एजुकेशन से संबंधित उसका पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा